मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें UMB न्यूज को। और किस जिले की आप मौसम जानकारी जानना चाहते हैं हमको नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जानते हैं पूरे देश के मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटों में बनेगा चक्रवाती मिंचोंग तूफान, इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र शनिवार को डीप डिप्रेशन में बदल गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में ये चक्रवाती तूफान मिंचोंग में बदल जाएगा। IMD के मुताबिक 4 दिसंबर तक तूफान तट के करीब आने के कारण चेन्नई के शहरों में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहेगी, जो कि 5 दिसंबर तक जारी रहेगी। वहीं 4 और 5 दिसंबर के लिए आगामी चक्रवात मिंचोंग के मद्देनजर उत्तरी तटीय तमिलनाडु के निवासियों के लिए अलर्ट पहले ही जारी कर चुका है। वहीं मौसम के मिजाज से अगले 2 दिनों तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बना रहेगा, जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और आसपास के मैदानी इलाकों में प्रभावित रहेगा। UP में हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 दिनों तक कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, अम्बेडकर नगर तथा आसपास के जिलों के लिए सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने MP के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इनमें नर्मदापुरम संभाग के लिए अतिरिक्त कटनी, जबलपुर, उमरिया, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, छतरपुर, सागर, दमोह, टीकमगढ़, रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर और देवास जिले शामिल हैं। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और बिजली के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इसके अलावा ग्वालियर संभाग के जिले, रीवा संभाग के जिले, अनूपपुर, शहडोल, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, निवाड़ी, पन्ना, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, मुरैना, भिंड, सागर, अमालवा और शाजापुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहां कहां होगी बारिश? उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पांडिचेरी के लिए अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 4 दिसंबर को छिटपुट या भारी बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। 4 तारीख को तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, 5 तारीख को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, अत्यधिक भारी वर्षा होगी। वहीं 5 और 6 दिसंबर को तटीय आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। बिहार में बड़ी ठंड। बिहार की राजधानी पटना सहित शहरों में तापमान लुढ़का है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान और उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। पटना सहित अधिसंख्यक भागों में कोहरे व धुंध का प्रभाव बना रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, रोहतास और गया जिलों के लिए कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई, जबकि पटना सहित शेष भागों में बादल छाए रहे। सुबह के समय पटना व आसपास के इलाकों में कोहरा का प्रभाव बना रहा। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम बदलेगा। 4 और 5 दिसंबर को एक और नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही उदयपुर, अजमेर और कोटा के जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की और बारिश होने की संभावना है। आज उदयपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। वहीं 4 दिसंबर को एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पांडिचेरी के लिए अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 4 दिसंबर को छिटपुट या भारी बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। 4 तारीख को तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा। ओडिशा में 4 से 6 दिसंबर के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ दक्षिण तटीय और आसपास के दक्षिण आंतरिक ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मौसम की ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।